ये चार लाइनें मेरे साथ मिलकर गाई है, जितने प्रेमी है दरबार में। अच्छा सच बताना, 3 साल बाद लगा है, दरबार कैसा लग रहा है संजीव भैया? सुंदर लग रहा है बाबा? एक बार इस बच्चे के लिए तालियां बजाओ, अमन के लिए। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। कहते ना कृपा क्या होती है, कृपा। इसके पूरी परिवार की इच्छा थी, बोले बेटा कहीं नौकरी करो और अपना काम धंधा शुरू करो, पर इसकी जिद। जब परिवार वाले कहते हैं तो सोचना भी पड़ता है, मानना भी पड़ता है, पर इतना इंसान एक अंदर से होता है कि नहीं यार मैं क्या करूं। इसकी शुरू से एक तमन्ना थी कि बस मैं बाबा को सजाता रहूं, प्रार्थना की बाबा के दरबार में। और आज जो कृपा इस पर ठाकुर ने की है, दिल्ली में कर रहा था और आज खाटू की धरती पर बैठकर ठाकुर को सजा रहा है, इससे बड़ी कृपा ठाकुर किसी पर नहीं कर सकता साहब, मैं सच कह रहा हूं। और वाकई जो लग रहा है आज बाबा, जो रूप है आज ठाकुर का, ऐसा लग रहा है जैसे सच में आज दिल खोलकर लुटाने के मूड में बैठे हैं महाराज। बधाई मेरे भाई को। क्या बात, हाँ कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूं। लोग कहते हैं ना बाबा की कृपा को गाइए, क्या गाएंगे साहब, मैं ही नहीं दुनिया का कोई भी कलाकार हो, जब तक इसकी कृपा ना होना, गाना तो बहुत दूर, आप अपने घर के बिस्तर पर बैठकर भी जय श्री श्याम नहीं बोल सकते अगर ये ना चाहे। मैं क्यों कह रहा हूं कि हम लोग किस्मत वाले क्यों हैं? कई बार लगता है, हमें लगता है दोस्त पकड़ के ले आया, चल खाटू, बोले यार चलो दोस्त ले जा रहा है। अब किसी मुझे खाटू गया था, हाँ क्यों, अरे बोले वो दोस्त पकड़कर ले गया था। अरे पागल, दोस्त पकड़कर नहीं ले गया, इसकी मर्जी के बिना इस 17 किलोमीटर के एरिया में कोई कदम नहीं रख सकता, और तेरे दोस्त ने तुझे पकड़कर खींच कर लाया है, मतलब दोस्त नहीं लाया, दोस्त के रूप में बाबा खींच कर लाया, चला ये सच्चाई है। अब बताओ 11 लोग गुड़गावा से एसी डिब्बे में बिना टिकट के, वैसे गलत है ये लेकिन बात वही होती है। अच्छा सच है, आप पता नहीं क्या होता है साहब, आप इसका नाम लेकर घर से निकलो ना, खाटू जाना है, पता नहीं क्या होता है, वैसे टीटी 4 चक्कर मारता है और इसका नाम लेकर निकलो तो एक बार भी नहीं आता कमा रही है इसलिए कह रहा हूं मेरे साथ भी हुआ 1-2 बार, आता ही नहीं है। और ये सच है, कई बार लगता है यार मैं नहीं आया, दोस्त लाया, दोस्त नहीं लाया, दोस्त नहीं लाया। सच्चाई ये है कि अगर दोस्त को लाना होता तो दोस्त आपको कई साल पहले खींच कर ला चुका होता, अगर आप आए हो ना। वाह क्या बात, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताओ। तो मैं हमेशा कहता हूं इसकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता साहब। और जो ये कहे कि हम इसे सजाते हैं, हम इसे रिझाते हैं, हम इसे सुनाते हैं, हमारी औकात ही नहीं है। सच ये है कि जब सुनने के मूड में होता है तो अपने आप गवा लेता है, बोले चल सुना कुछ, ये सच्चाई है। हमारी औकात नहीं है कि हम इसे सुना सके। बहुत सुंदर ये रचना लिखी है मेरे छोटे भाई शुभम रूपम ने, और एक एक शब्द में सच्चाई है। आइए 2 लाइनें गाते हैं, मेरे संजीव भैया ने कहा है और बात सजाने की चली है, तो मैं आज सुनाता हूं ये 2 लाइनें। ला ला ये बात कि कृपा को क्या मैं गाऊं, मैं कृपा से गा रहा हूं, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा और खुश किस्मती है मेरी, खुश किस्मती है मेरी नहीं हम सबकी, खुश किस्मती है मेरी
किस्मती है मेरी, मैं इनको रिझा रहा हूँ, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। लोग कहते हैं ना भाव नहीं है, भाव नहीं है, भाव लाओ। अब सुनना के भाव के समंदर में जिसने मुझे तिराया, भाव के समंदर में जिसने मुझे तिराया, उनके दिए भाव में, उनके दिए भाव को डुबो रहा हूँ, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। और जो बाबा को सजाते हैं ये पंक्तियां उनके लिए, सुनिएगा, सच है ये सौभाग्य है, इसने मौका दे दिया कि तुम मुझे सजाओ। वरना सोचो जो दुनिया को सजाता है उसे आप सजा रहे हो, आपसे बड़ा किस्मत वाला कौन हो सकता है साहब? आपसे बड़ा तकदीर वाला कौन हो सकता है? थोड़ा सा क्या सजाया, मन में गुमान आ गया, थोड़ा सा क्या सजाया, मन में गुमान आ गया, जिसने मुझे सजाया, जिसने मुझे सजाया, मैं उनको सजा रहा हूँ, कृपा को क्या मैं गाऊं, गाओ ना, कृपा से गा रहा हूँ, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा। सुन लो ए दुनिया वालों, अंदर की बात है ये, सुन लो दुनिया वालों, अंदर की बात है ये। ये जो ऐश कर रहे हैं ना हम, मेरे पास 4 करोड़ का बंगला, मेरे पास ऑडी, मेरे पास मर्सिडीज, मेरा बैंक बैलेंस करोड़ों में, मेरा ये मेरा वो, हमारा कुछ नहीं है। कि सुन लो ए दुनिया वालों, अंदर की बात है ये, सुन लो दुनिया वालों, अंदर की बात है ये, क्या ये बीज बो रहा है, फल में ही खा है, ये बीज बो और फल में खा रहा हूँ, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हो, कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हो। चलते चलते सिर्फ ये 2 लाइनें मेरे साथ मिलकर गा दो। 3 साल बाद कीर्तन हुआ है आज, 3.5 साल बाद। अब बाबा से एक प्रार्थना, बोले ठाकुर अब एक कृपा कर देना आज। कौन सी? हाफड़ पड़े हाफड़ो पड़े तेरा दरबार यूं ही सजता रहे, तेरा दरबार सजता रहे, यूं ही भक्तों का मेला लगता रहे, यूं ही भक्तों का मेला लगता रहे, ओ मैं रहूं ना रहूं दुनिया में, मैं रहूं ना
ये तेरा कीर्तन यूं ही चल, ये तेरा कीर्तन यूं ही चलता रहे। सिर्फ दो मिनट, दोनों हाथ उठाकर, बिल्कुल दोनों हाथ उठाकर फिर महाआरती करेंगे झूम कर मिलकर। 1 2 3 4 तेरा दरबार यूं ही सजता रहे, तेरा दरबार यूं ही सजता रहे, यूं ही भक्तों का मेला लगता रहे, यूं ही भक्तों का मेला लगता रहे। मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, मैं इस दुनिया में तेरा कीर्तन यूं ही चलता रहे, तेरा दरबार यूं ही लगता रहे, यूं ही भक्तों का मेला लगता रहे। ताली बजाकर, ताली बजाकर, क्या कहा, यूं ही तेरे सर पे लटके हरदम छतर हजार, यूं हरदम छतर हजार, केसर इत्र से महके हरदम तेरा दरबार, केसर इत्र से महके हरदम तेरा दरबार। ना ही तुझको किसी की नजर लगे, ना ही तुझको किसी की नजर लगे, ओ ना ही तुझको किसी की नजर लगे, ना ही तुझको किसी की नजर लगे, तेरा श्रृंगार बाबा और खिले, तेरा श्रृंगार बाबा और खिले। मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, मैं रहूं ना दुनिया में तेरा कीर्तन यूं ही, तेरा दरबार यूं ही। ताली बजाओ ना, अंत में बड़ी है किस्मत मेरी कन्हैया, तूने मुझे अपनाया, ओ बड़ी है किस्मत मेरी कन्हैया, तूने मुझे अपनाया, अरे पवन के सिर पे सदा रहे तेरी रहमत का साया, पवन। और अंत में सबसे बड़ी चीज मांग रहे हैं, तेरी सेवा कन्हैया मिलती रहे, हो तेरी सेवा कन्हैया मिलती रहे, तेरी सेवा यूं ही भजनों की गंगा बहती रहे, यूं ही भजन गंगा बहती रहे। मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, मैं रहूं इस हो तेरा ये कीर्तन यूं ही चलता रहे। बोलिए श्याम प्यारे की, खूब बधाई आपको मेरे बाबा की पावन एकादशी की।